अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम करेंगे डीजे साइंस कॉलेज का सेकंड ईयर बॉटनी का सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज। तो पहला सवाल हमारे पास था कि वाटर विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय रूट हेयर व्हेन द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज़। तो वाटर जब भी एंटर करता है सेल के अंदर, चाहे वो रूट सेल हो या कोई भी सेल हो जिसके अंदर जब वाटर एंटर करता है यानी जब एंड ऑस्मोसिस होती है, तो वो तभी होती है जब बाहर जो होती है वो वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जब बाहर या किसी भी सॉल्यूशन में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, तो वो सॉल्यूशन कहलाता है हाइपोटोनिक। और वाटर तभी वाटर हमेशा अपनी हायर कंसंट्रेशन या कोई भी सब्सटेंस अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में पैसिवली मूव करता है। रूट के अंदर भी वाटर जो होता है पैसिवली मूव करता है तब जब एक्सटर्नल सॉल्यूशन जो होता है हाइपोटोनिक होता है, यानी जब वाटर पोटेंशियल बाहर होता है तभी एंडोस्मोसिस होती है। नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट है वो उसका यही है, ठीक है। तो ये हो जाता है आंसर हाइपोटोनिक। उसके बाद अगला सवाल था, अ ट्रेट विच इज़ कंट्रोल्ड बाय मोर देन टू जीन इज़ कॉल्ड। तो यहाँ पे हम एक एक ऑप्शन को जो है वो थोड़ा थोड़ा डिस्कस करें ताकि हम क्लियरली अपने बेस्ट ऑप्शन की तरफ पहुँच सकें। बहुत सारे लोगों को तो पता होगा कि एपिस्टेसिस इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एपिस्टेसिस बेसिकली क्या होता था कि एक जीन जो कि दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को अल्टर करती है जो कि उसकी अलील नहीं होती, तो ऐसी कोई बात सवाल में नहीं हुई है। उसके बाद क्या है, प्लियोट्रॉफी है या प्लियोट्रॉपी है, तो वो ऐसा फिनोमेना होता है जिसके अंदर एक जीन जो होती है वो इफ़ेक्ट करती है एक से ज़्यादा ट्रेट को या एक से ज़्यादा फीचर्स को जो है वो करवा रही होती है कोई एक जीन, तो उसको कहते हैं प्लियोट्रॉपी की फिनोमेना, वो प्लियोट्रॉपी होता है। उसके बाद ऑप्शन ए था प्लियोप्लॉइडी। प्लियोप्लॉइडी का मतलब होता है जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जब वो डिप्लॉइड से ट्रिप्लॉइड और इस तरह से क्वाड्री ट्रिप्लेट या इस तरह से जब वो बढ़ते जाते हैं तो उस फिनोमेना को हम पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। यानी कि एक जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, हम ये पढ़ते हैं कि वो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि इस तरह से जो होते हैं वो दो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, एक पेयर होता है उसका। लेकिन अगर इस पेयर के अंदर इस तरह से एक और आ जाता है तो वो जो होता है वो डिप्लॉइड से ट्रिप्लॉइड हो जाता है। इस तरह की कंडीशन को प्लियोप्लॉइडी कहते हैं। यानी प्लियोप्लॉइडी की जो टर्म है वो रेफर कर रही होती है नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स के ऊपर कि वो कितने हैं एक होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर। तो फिर क्या ऑप्शन बचता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वाला कह लें या पॉलीजेनिक कह लें कि पॉलीजेनिक वो फिनोमेना है जिसके अंदर एक ट्रेट जो होती है वो दो से ज़्यादा जीन पेयर जिसको करवा रही होती है, कोई एक ट्रेट को एक्सप्रेस करा रही होती है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। उसके बाद सवाल था कि इन प्लांट्स एक्सक्रीशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड। ट्रांसपायरेशन जो थी उसमें वेपर्स की फॉर्म में लीव होता था, गटेशन होता है कि लिक्विड की फॉर्म में जब भी वाटर लूज होता है प्लांट से एक्सक्रीट होता है उसको हम कहते थे गटेशन। उसके बाद सवाल था कि वेस्कुलर बंडल इन द प्लांट स्टेम आर प्रेजेंट इन। तो जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो होते हैं सेंट्रल रीजन के अंदर जिसको कहते हैं सेल, सही। उसके बाद अगला सवाल था कि द पार्ट ऑफ एनुअल रिंग जहाँ पे वेयर जाइलम हैज सफर्ड मैनी फंक्शनल चेंजेस इज कॉल्ड। तो वो होता है हार्टवुड। हार्टवुड वो रीजन होता है जहाँ पे जाइलम के अंदर जो होते हैं बहुत सारे सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाते हैं, वो अपना वो नॉन फंक्शनल हो जाता है और वो वहाँ पे वाटर की फिर वो प्लांट के अंदर वाटर की कंडक्शन नहीं करवा रहा होता स्टेम के अंदर, जबकि सैपवुड वो था जो कि फंक्शनल रहता है और वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रही होती है सब्सटेंसेस की। उसके बाद अगला सवाल था कि अगेंस्ट पैथोजेनिक अटैक प्लांट प्रोड्यूसेस। तो प्लांट जो चीज़ प्रोड्यूस करते हैं उसको कहते हैं फाइटोएलेक्सिन, आपकी बुक में लिखा हुआ है। उसके बाद अगला सवाल था कि प्लांट्स विच ग्रो इन ऑक्सीजन डेफिशिएंट सॉइल। ऑक्सीजन डेफिशिएंट सॉइल के अंदर प्लांट की दो अडॉप्टेशन होती थी, एक तो डेवलप करते थे एयर ट्यूब्स और दूसरा वो डेवलप करते थे एरियल रूट्स, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि दो अडॉप्टेशंस थी जो आपका टॉपिक है प्लांट स्ट्रेस वाला, जो टॉपिक है प्लांट स्ट्रेस कंडीशन वाला और उसके अडॉप्टेशन उसके अंदर ही लिखा हुआ था। फिर अगला सवाल था कि फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज, तो उसको कहते हैं एपोमाइसिस, उसकी डेफिनेशन है। बाकी पार्थिनोकार्पी जो होती है वो होती है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो अगर यहाँ पे फ्रूट होता तो पार्थिनोकार्पी आंसर होता है, यहाँ पे इन्होंने सीड बोला है तो सीड जो बनता है बिना फर्टिलाइजेशन के उसको एपोमाइसिस कहते हैं। उसके बाद अगला सवाल था कि फीमेल गेमेटोफाइट इज टर्म एज। फीमेल गेमेटोफाइट की जहाँ हेडिंग डली हुई उसके साथ ही उन्होंने उसका दूसरा नाम बताया हुआ है एम्ब्रियोसैक, ठीक है। तो इंटीग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल जो होते हैं वो उसकी एम्ब्रियोसैक की होती है, वो मेम्ब्रेन्स होती हैं या कवरिंग्स होती हैं। एंडोस्पर्म जो होता है डबल फर्टिलाइजेशन से बनता था और साइनोजेंस जो थे वो न्यूक्लियस थे एम्ब्रियोसैक के। उसके बाद अगला सवाल था कि नेचर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इज। तो हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, या अगर ये पूछें कि चार्ज क्या होता है तो आप बताएं कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और डीएनए जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, जो कि हमने वॉटसन एंड क्रिक मॉडल में पढ़ा है। उसके बाद था कि पॉलन ग्रेन इज। तो पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो होते हैं हैप्लॉइड, ठीक है। किस तरह से, क्योंकि
जो पोलन सैक था एंथर के अंदर, उसके अंदर माइक्रोस्पोर्स थे। पहले उन्होंने मियोसिस से वो हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए थे, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बन गए थे। वो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स जो थे वो फिर जो है वो आगे जाके वो डिवाइड हुए थे दो सेल्स के अंदर। एक जो है वो उन्होंने बनाया था, एक जनरेटिव सेल्स थे और एक दूसरे ट्यूब सेल्स थे। फिर वो आगे जो पूरा मेल गैमेट बनाते हैं वो पूरा हैप्लॉइड होता है, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल था, ऑल ऑफ दीज आर स्टॉप कोडॉन्स एक्सेप्ट। तो जो स्टॉप कोडॉन्स थे वो थे UAA, UGA और UAG। तो इसके अलावा जो यहाँ पे गलत दिया हुआ है वो है UAC। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा UAC, जो कि स्टॉप कोडॉन नहीं होता, ये तीनों होते हैं। उसके बाद अगला सवाल था कि द पर्टिकुलर एरे ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड। पेज नंबर 145 पे कैरियोटाइप की डेफिनेशन गिवन है पहली लाइन में, वहाँ से आपको उसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद है कि टू क्रोमेटिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय, तो जो दो क्रोमेटिड्स होते हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमेयर। क्रोमोमेयर वो स्ट्रक्चर्स थे, बेसिकली वो अपेरेंस थी क्रोमोसोम की, जो कि हमें मियोसिस में लेप्टोटीन के अंदर, प्रोफेज वन के अंदर नज़र आ रही थी। सेंट्रोल्स जो होते हैं बेसिकली वो पार्ट होते हैं सेंट्रोसोम के। सेंट्रोसोम वो ऑर्गेनल होता है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। उसके दो पार्ट होते हैं जिसको हम सेंट्रोल कहते हैं, पेयर्ड सेंट्रोल्स होते हैं जो कि डिवाइड होकर इस तरह से दो और बना लेते हैं, मतलब एक और पेयर बना लेते हैं जो कि अपोजिट पोल पे मूव करता है, उसकी वजह से स्पिंडल फाइबर्स वगैरह जो बन रहे थे। तो ये वो चीज़ हो गई। तो इन्होंने यहाँ पे क्रोमेटिड्स पूछा है कि वो किससे, जो क्रोमेटिड्स होते हैं दे हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रक्चर जिसको कहते थे सेंट्रोमेयर। उसके बाद अगला सवाल था कि मेंडल सिलेक्टेड हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर फॉर इस एक्सपेरिमेंट। PCHS का जो मैंने आपको पेपर कराया था उसमें मैंने आपको बताया था, पेज 185 पे आपको एक टेबल बना के उन्होंने दिखाया है कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उसने कितने करेक्टर्स यूज़ किए थे, तो उसकी अमाउंट थी 7। उसके बाद अगला सवाल है, ऑल द लिविंग थिंग्स लिव हेयर एंड नो लाइफ एग्जिस्ट बियॉन्ड इट। तो इकोस्फेयर या बायोस्फेयर की डेफिनेशन लिखी हुई पेज 241 के ऊपर उन्होंने वहाँ पे बताया हुआ है, लास्ट लाइन लिखी हुई है बेसिकली उस पैराग्राफ के अंदर, वहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है। उसके बाद कह रही है कि ग्रोथ ऑफ विच फंजाई इज़ फेवर्ड बाय फायर। तो इसका आंसर था पायरोफिलस, और पायरोफिलस जो थे वो एस्कोमाइसीड्स थे। उसके बाद अगला सवाल है कि एब्सिसिक एसिड रेगुलेट्स। तो एब्सिसिक एसिड जो था वो एक हार्मोन था जो कि ग्रोथ इनहिबिटर था, जो कि बेसिकली सीड्स और बर्ड्स की डोमेंसी करवा रहा था। बाकी ऑक्सिन्स वगैरह और जो गिबरेलिन होते हैं वो सारे प्लांट की ग्रोथ कराते हैं, और एब्सिसिक एसिड जो होता है वो बेसिकली रिलीज़ होता है ड्राउट और विंटर की कंडीशन में, जब प्लांट जो होता है वो कोशिश कर रहा होता है कि उसका सीड्स और बर्ड्स होते हैं ड्राई ना हो, मिनिमम हो जाए, स्टोमेटा बंद हो जाए, ज़्यादा वाटर लॉस ना हो ड्राउट और इस तरह की कंडीशन में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है डोमेंसी। उसके बाद अगला सवाल था, द वैक्सी सब्सटेंस एसोसिएटेड विद द वॉल्स ऑफ कॉक सेल इज कॉल्ड। पेज नंबर 30 के ऊपर ये वाला वर्ड सुबेरिन हाईलाइट हुआ हुआ है, बताया हुआ है जो कॉक सेल्स होते हैं, जो कॉक कैम्बियम होता है उसके अंदर जो वैक्सी सब्सटेंस होता है उसको सुबेरिन कहते हैं। उसके बाद अगला सवाल था, द सी विद हाईएस्ट सॉल्ट कंसनट्रेशन। तो आपकी बुक में जो है वो बताया हुआ है कि जो मरीन लाइफ इकोसिस्टम में बताया हुआ है कि जो सॉल्ट की कंसनट्रेशन होती है नॉर्मली वो 3.5 समथिंग होती है, जो कि नॉर्मल होती है, और जो रेड सी होता है उसकी 4.6 समथिंग होती है, और इस बेल्टिक सी की 1.2% समथिंग होती है सॉल्ट की कंसनट्रेशन। तो वैसे इस हिसाब से नॉर्मल के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा है, और वैसे ही हमें पता है कि रेड सी की जो होती है वो सॉल्ट कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका आंसर जाता है रेड सी। उसके बाद अगला सवाल था कि द टाइप ऑफ इकोसिस्टम विच इज़ नोन एज ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका आंसर है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड के जो प्रोड्यूसर्स हैं उसमें उन्होंने आपको इस वर्ड को हाईलाइट करके बताया हुआ। अच्छा, इससे हमें अंदाज़ा होता है कि बुक में जहाँ पे भी जो वर्ड हाईलाइट नहीं सॉरी जो वर्ड बोल्ड किए हुए होते हैं उन्होंने, इसका मतलब है कि आपने उन वर्ड्स पर खास करके ध्यान देना है, क्योंकि वो MCQs में बहुत ज़्यादा जो होते हैं इस तरह की चीज़ें पूछी हुई होती है। सुबेरिन भी जो है वो बोल्ड किया हुआ था, ब्रेड बास्केट का वर्ड भी जो होता है बोल्ड किया हुआ था, आपने उनको देखना है, वो अक्सर कोई डेफिनेशन होती है, कोई ना कोई जो होते हैं उससे एसोसिएटेड कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो अक्सर MCQs में पूछ लेते हैं। बाकी MCQs से रिलेटेड किस तरह से तैयारी करनी थी उसकी वीडियो हमारे चैनल पे आ चुकी है, उसको भी लाजमी देख लीजिएगा, जाके वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी इंशाल्लाह। और दूसरा यही कि मेरी तरफ से यही है कि जो खास करके चैप्टर 11, 12, 13 है उसके अंदर जो इस तरह के पॉइंट्स गिवन हैं जो कि हाईलाइट हुए हैं आपके, खास करके रिड्यूस सिलेबस के अंदर जो इंक्लूड होते हैं उनको भी देख लें, नहीं भी होते हैं उनको भी देख लीजिए। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है, इससे क्या होगा कि आपकी एक चीज़ निकल जाएगी। तो यहाँ पे आके होता है DJ का पेपर कंप्लीट, सेकेंड ईयर बॉटनी के MCQs। थैंक यू।